हाय गोदावरी किचन में आप सब लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं किटकैट का केक बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा नमक लिए हैं और इसमें ऊपर स्टैंड कर दें। इसको हम प्री हीट के लिए 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हम बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक कप मैदा है, इसको हम छन्नी में डाल रहे हैं, और एक कप हम घर में पीछे हैं शक्कर को इसके डाल रहे हैं। एक चौथाई कोको पाउडर है, इसको डाल रहे हैं, और एक चम्मच बेकिंग सोडा है, इसको डाल रहे हैं, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर है, इसको डाल रहे हैं, और एक चुटकी नमक है, इसको डाल रहे हैं। इसको हम एक साथ छन्नी से छान लेते हैं। हम पूरा को छान लेते हैं, जो एक्स्ट्रा है उसको हम बाहर डाल देते हैं। एक कप हम बटर मिल्क लिए हैं, इसको हम इसमें डाल रहे हैं। एक चौथाई कप तेल है खाने का, इसको हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं ताकि बटर मिल्क और तेल सेट हो जाए। ये थोड़ा थोड़ा बुलबुला आ रहा है इसमें हम, और 10 मिनट हो भी गया है, इसमें हम एक चम्मच वनीला एसिड डाल रहे हैं और इसको मिला देते हैं। अब हम इसमें जो मिक्सचर छान के रखे थे इसमें हम डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से मिला दें। इसको ज़्यादा फेंटना नहीं है, सारे मिक्सचर अच्छा से मिल जाए बस उतना ही फेंटना है। ये हमारा हो गया है। हमने केक टिन लिया है, इसमें घी से ग्रीस किए हैं, फिर मैदा डाल के पूरा मिला लिए हैं और अतिरिक्त मैदा को बाहर डाल दिए। अब इसमें हम पूरा बैटर को डाल देते हैं। सारे बैटर को हम केक टिन में डाल दिए हैं और इसको हम थोड़ा सा टेप कर लेते हैं ताकि बराबर कहीं ऊपर नीचे ना रहे। अब हम कढ़ाई में नमक डाल के, हमने 10 मिनट हीट प्रीहीट कर लिया था, इसमें हम रख देते हैं। इसको हम 55 मिनट के लिए बेक करने रख दिए हैं और मध्यम आंच में रख रहे हैं। हमारा केक बेक हो रहा है, जब तक हम चॉकलेट गनाशे बना देते हैं। इसके लिए हम एक कप के चॉकलेट लिया है, हम एक गंजी लिए हैं, गंजी में पानी रख दिए हैं, ऊपर में एक बर्तन रख लिए हैं, उसमें हम एक चॉकलेट को, डार्क चॉकलेट है, इसको हम रख दिए पिघला रहे हैं। गंजी का पानी अच्छा गर्म होना चाहिए तब चॉकलेट हमारा जल्दी मेल्ट होगा। चॉकलेट हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसको निकाल देते हैं और गैस बंद कर देते हैं और अलग रख देते हैं ठंडा होने के लिए। चॉकलेट गनाशे में डालने के लिए हम एक कप क्रीम लिया है, इसको हम गरम कर रहे हैं। ये गरम हो गया, इसको हम गैस बंद कर देते हैं। हम चॉकलेट गनाशे बनाए हैं, इसमें हम अब डाल देते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिला देते हैं क्रीम और गनाशे को। हमने अमूल का क्रीम लिया था और देखो इसको, इसका कलर कितना मस्त अच्छा शाइनिंग आ रहा है गनाशे का, एकदम सुंदर लग रहा है। अब हम 2 बड़ा चम्मच बटर है, रूम टेम्परेचर में है, इसको हम डाल रहे हैं। बटर को और अच्छा से मिक्स करते हैं
ताकि हमारा गनाशे का और अच्छा शाइनिंग आएगा। हमारा गनाशे अच्छा से मिल गया है, एकदम रेडी है, और इसको हम ठंडा रखने के लिए छोड़ देते हैं। इसको फ्रिज में नहीं रखना है, नहीं तो जम जाएगा। हमें केक के ऊपर आइसिंग करना है, अगर जम जाएगा तो मुश्किल जाएगा। 55 मिनट हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। ये टूथ पिक लिए हैं, इसको हम पूरा क्लियर आ रहा है, मतलब हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको निकाल के हम ठंडा करने रख देते हैं। केक के लिए हम शुगर सिरप बना लेते हैं। इसके लिए हम एक कटोरी लिए हैं और इसमें गैस में चढ़ा दिए हैं। इसमें हम दो चम्मच पानी लिए हैं। और 2 चम्मच शक्कर डाल रहे हैं और इसको हम अच्छा से मिलाते हुए चम्मच चला देते हैं। बस इसको मिलाना बस है, खौलाना नहीं है। और इसको मध्यम आंच में करना है, नहीं तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और उड़ जाएगा। शुगर सिरप हमारा बन गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए अलग जगह रख देते हैं, ताकि हमारा केक बना है वो भी ठंडा हो जाएगा। केक हमारा अच्छा से ठंडा हो गया है। अब इसको हम 2 भागों में काट लेते हैं। अब हम केक को आइसिंग कर लेते हैं। इसके लिए हमको 1 चम्मच यहाँ डालेंगे। गनाशे के ऊपर अब हम केक को रखते हैं। हम इसमें शुगर सिरप डालते हैं। अब हम गनाशे को डाल देते हैं। 1 लेयर आइसिंग हो गया है। अब हम दूसरा लेयर इसके ऊपर रख के सजाते हैं। अब हम इसमें और शुगर सिरप डाल लेते हैं पूरा। इस लेयर को भी हम आइसिंग कर देते हैं। हमने पूरा किकेट लगा दिए हैं और ये गनाशे कारण अच्छा से चिपक गया है। अब हम जेम्स लिए हैं और जेम्स से अच्छा से हम सजा देते हैं। हमारा किट कैट केक बन के तैयार है और हम बहुत ही सुंदर लग रहा है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। और आज मेरे पोती का 5 महीना है, उसके लिए मैं बनाई हूँ। और बच्चों के साथ बड़ों को भी अच्छा पसंद आता है और अच्छा लगता है। ज़रूर एक बार बनाइएगा और खाइएगा और अपना अनुभव मेरे गोदावरी किचन में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू, बाय।